हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो अल्लाह का बहुत 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 करम, बहुत खुश, बहुत ठीक और फिट, एकदम फिट। आप सुनाएं, आप सब लोग कैसे हैं और कैसा रहा आपका आज का दिन। वेल, यहाँ पर तो आज कल बहुत 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 गर्मी हुई हुई है। आप लोग सुनाएं, आपके शहर में, आपके मुल्क में, आपकी स्टेट में, आपकी रियासत में आज कल मौसम कैसा है। आए, मैं आपको बाहर का पहले मौसम दिखाती हूँ। ये है भाई हमारा तो आजकल का मौसम। अपेरेंटली ये लगता है कि बड़े मज़े का है और बड़ा ये है, मगर जो ये धूप होती है ना, सनबर्न कर देती है और बंदे का रंग ऐसा हो जाता है कि इंसान को यकीन ही नहीं आता कि है ये मैं ही हूँ। एनीवेज, आज हम व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज के व्लॉग में आई एम गोना मेक समथिंग वेरी स्पेशल एंड यूनिक फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, क्योंकि हमारे खाने काफ़ी गर्मियों में दिल ही नहीं करता कुछ खाने को और खाना काफ़ी बच भी जाता है। तो मैंने आज सोचा कोई ऐसी डिश बनाई जाए जिसके लिए मुझे कुछ बनाना भी ना पड़े और डिश भी बन जाए। तो इसलिए आई एम गोना मेक आ लोडिंग फ्राइज, क्योंकि गर्मियाँ हैं और ना हर वक्त सालन रोटी खाने को दिल नहीं करता। वैसे भी आई एम नॉट दैट गुड इन मेकिंग सालन रोटी, आई एम गुड इन मेकिंग लिटिल स्नैक्स। सो इसलिए मैं सारे स्नैक्स की ही वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें मैं आई एम गुड इन इट। एनीवेज, लेकिन ये लोडिंग जो फ्राइज़ है, आई एम गोना मेक इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। देखते हैं कैसे बनते हैं, चले आए मिल के बनाएं और होते हैं फिर तैयार कुकिंग के लिए और मिलते हैं आपको फिर किचन में। ये लोडेड फ्राइज नहीं है बल्कि है लोडिंग फ्राइज, क्योंकि इसमें मैं कर रही हूँ लोडिंग अपनी पसंद की चीज़ों की। अच्छा जी, मैंने ये ऑयल गरम कर लिया था जिसमें फ्रोजन फ्राइज थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं, लेकिन आप घर पे कोई भी फ्राइज बना के ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने फ्राइज इसके अंदर ऐड किए हैं, लेकिन अगर आपका ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो ना, अगर आप उसके अंदर ऐड करें तो जो ये फ्राइज है ना, ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये मैंने एक्सपेरिमेंट ना अपने हस्बैंड से सीखा था, क्योंकि उनकी फ्राइंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है और वो फ्राइज़ बड़े अच्छे बनाते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर ज़्यादा गर्म ऑयल में हम डालेंगे ना, तो वो ना बहुत सख्त से हो जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं। तो इसको फुली कुक करना है और उसके बाद ना इसके अंदर जो कुछ भी आपके पास पड़ा है ना, वो आराम से इसके अंदर सूट देना है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ना, मुझे लगा कि ये इसमें ऑयल थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और डाल लिया। और इसके साथ साथ मैंने कहा चलो वहाँ पर वो दो फ्राइज़ रेडी हो रहे हैं, मैं साथ में ना मेयो और ये कैचअप को मिक्स करके ना बनाती हूँ। ये मैंने चिली गार्लिक वाली कैचअप ली है, उससे ना फिर बड़े मज़े के फ्लेक्स जब मुँह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। मेयो और गार्लिक वाली चिली गार्लिक कैचअप, इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको सॉस के अंदर ना, अगर आपको पाकिस्तान में मोस्टली जो मेयोस मिलती हैं ना, वो थोड़ी थिक होती हैं, मोटी सी होती हैं, तो मोस्टली ना वो मतलब मुंह में भी आती हैं। तो इस बैटर के उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया जाए, और अगर स्पाइसी पसंद है तो उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर ली जाए तो मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने सोचा कि जी मैं अपनी फ्राइज़ को बाहर निकालती हूँ, और मैंने डायरेक्ट इसको उसी ट्रे में डाला है, क्योंकि मैंने इसी ट्रे को डायरेक्ट रख देना है पैन के अंदर, सॉरी अपने वो प्री हीटेड ओवन के अंदर। लेकिन आप डायरेक्ट, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो हम इसको देशकी के अंदर भी बहुत इजीली बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ना, जैसे मैंने ओवन को प्री हीट किया है, तो आपको देशकी को प्री हीट करके ना पहले ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जस्ट मैटर है कि चीज़ कितनी देर में मेल्ट होती है। और ये आप लोडेड फ्राइज़ अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ डाल के बना सकते हैं। मुझे तो वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा पसंद कॉर्न है, तो इसलिए मैं इसके अंदर बाद में फिर कॉर्न भी डालूँगी। तो ये मैंने सारे फ्राइज़ निकाल दिए हैं बाहर, और इसके साथ साथ अब हम इसके अंदर ऑरिगैनो डालूंगे। ऑरिगैनो से ये होता है कि रेस्टोरेंट स्टाइल का ना टच आ जाता है, तो चीज़ बड़ी मज़े की लगती है, इसलिए मैं तो अपनी हर रेसिपी में ना ऑरिगैनो डाल देती हूँ। इनफैक्ट पिज़्ज़ा में भी डालूँ तो वो भी बड़े मज़े का बनता है। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाऊंगी, बहुत ईजी है, इनफैक्ट रोटी से भी जल्दी बन जाता है। ये मैंने लोडेड फ्राइज़ भी 10 मिनट्स में बनाए हैं, लेकिन मैं इनको कहती हूँ लोडिंग फ्राइज़, क्योंकि इसमें आप सब कुछ लोड कर सकते हैं। एनीवेज, इसके अंदर जी चिकन डाल दिए लेफ्ट ओवर जो मेरे पास बचा हुआ था, ये मैंने विंग्स मंगवाए थे। तो उसके बाद अब जो मैंने ये सॉस बनाई है, ये मैंने अपनी सॉस डाल दी है, और सॉस मेरे पास वैसे थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन फिर मैं मुझे सुस्ती हो गई, मैंने कहा भाई जिन्नी है पा दो। अच्छा जी, उसके बाद ना हमने इसके अंदर ना कॉर्न डालनी है, मुझे कॉर्न बड़ी पसंद है, ये फ्रोज़न मिल जाती है, फ्रोज़न कॉर्न डाल दो, क्योंकि फ्रोज़न कॉर्न ना 5-10 मिनट में खुद ही पक जाती है, लेकिन अगर आपके पास दूसरी है तो उसको फिर बॉईल करके डालना। इसके बाद चीज़ ऐड करनी है, पहले मैंने ये भड़े डाले हैं, लेकिन अगर आप उसको क्रश करके डालें ना तो चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन ये मैं ना फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे था कि प्रेजेंटेशन जैसी भी हो टेस्ट मस्त होना चाहिए, तो मैंने और टेस्ट को थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए ना इसके ऊपर फिर डाल दिया चिकन टिक्का मसाला।
क्योंकि मुझे ना ज़रा स्पाइसी चीज़ें पसंद है और इसलिए मैं ना फिर हर चीज़ में चिकन टिक्का भी डाल देती होती हूँ। बड़ा अच्छा है ये मसाला, पता नहीं किसने बनाया है, लेकिन जिसने भी बनाया है, शान का हो, नेशनल का हो, मैं तो ये पाकिस्तान से लेके आई हूँ, क्योंकि जो यहाँ से मिलते हैं ना वो इतने स्पाइसेस ना इतने शार्प नहीं होते। तो खैर ये मैंने उसके ऊपर और चीज़ डाली है और उसके बाद मैंने चिकन टिक्का मसाला भी डाल दिया। आप अपनी पसंद का कोई भी स्पाइस ऐड कर सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक द मोस्ट, लेकिन मुझे चिकन टिक्का मसाला पसंद है क्योंकि मैंने चिकन इसमें थोड़ा कम डाला है। और मसाला डालूंगी तो उससे ज़रा ना मसालेदार लोडेड फ्राइज़ बन जाएंगे। इन दोनों को मिक्स करना है, इन दोनों को क्या सब कुछ जो भी आपने इसके अंदर सुट्टा है ना उन सबको बड़े प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको अपने प्री हीटेड ओवन के अंदर रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जैसे ही चीज़ मेल्ट होगी तो उसको बाहर निकाल लेना। पहले मैंने बड़ी ट्राई की जी, मैं ना वीडियो भी साथ बनाती हूँ, फिर मैंने कहा है वीडियो के चक्करों में ना कि मेरा हाथ ही ना जल जाए, इसलिए मैंने ना फिर कैमरे को रखा साइड पे और मैंने कहा अब मैं ना निकालती हूँ, डिश आउट किया है और मैंने कहा अब मैं ना ट्राई करती हूँ खाने का। लेकिन यह बड़ा ही गर्म था, लेकिन था बहुत डिलीशियस। मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, लेकिन ट्राई मैं आपके साथ ही करूँगी। चलिए आप सुनिए मेरी रियल आवाज़। ऐसे लग रहा था कोई स्ट्रीट फूड है, चिकन टिक्का बहुत 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 मज़े के बने हैं। तो आप भी ना जब कोई चीज़ बची हो ना, भाई बड़ा गर्म भी है, जब कोई चीज़ बची हो ना उन सब चीज़ों को करें मिक्स, चीज़ डालें और कर दें बेक। और अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो बेस्ट वे पता है क्या है, आप कर लें वो कुकर टाइप नहीं होता जो बढ़िया सा देश का होता है, उसको गर्म कर लें, उसके नीचे रेत डाल लें। अगर रेत नहीं है तो नमक तो पाकिस्तान में काफ़ी सस्ता है, नमक डाल के उसको प्री हीट कर लें, फिर चीज़ डाल के रखते हैं तो बहुत 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 चीज़ी और मज़ेदार बनता है। मैंने सिर्फ 10 मिनट्स बेक किया और मज़ा आ गया, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें और बाय बाय।